हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आ चुकी हूँ बुआ जी के घर पे और यहाँ हो रहा है छोटी का नामकरण। तो बस उसी का ही जो है मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आयुष, क्या खा रहे हो? पानी? मम्मी जी कल लगड़ो छे, कल लगड़ो छे। रखे हैं ये हथौड़िया बुआ। अच्छा, तो यहाँ बुआ क्या कर रहे हैं? बुआ जी बना रहे हैं दाल। हाँ, देना खड़ा है, देना खड़े। अच्छा हाँ, ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, इंडोर प्लांट है। ये देखिए, दो वैरायटी के पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे, एक ये रहा ग्रीन में और एक ये रेड में। यहाँ आयुष देख रहा है। जय हिंद, जय हिंद करो, जय हिंद। बुआ चलिए, आ गई है छुटकी बाहर। एक है भैरव, बढ़िया लगने चाहिए। छोटे का नाम अभी नहीं रखा क्योंकि पंडित जी ने बोला कि मोल मास का महीना चल रहा है, जो कि 15-16 तारीख के बाद यानी कि अगस्त में इसका नाम रखा जाएगा छोटी का। तो यहाँ पे ना बुआ जी लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं कर रखा था, कानू भी स्कूल जा रखा था, बस इस एक नॉर्मल सा मतलब हवन कराया गया था घर में, ताकि जो हमारी दीदी है जैसे वो पानी पे लग सके, यानी कि
मतलब एक तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, जैसे 11 दिन में 9वें दिन में, तो इसी तरह का जो है वो शुद्धिकरण यहाँ पर किया गया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।